अब मेरी इच्छा क्या है, हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 400 सीट हम लोग जीते और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे। सब लोगों को हमने नाम दे दिया जीविका, हम ही कहने लगे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जीविका दी। और उस समय वाला केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, लेकिन वो आया देखने के लिए और देख करके आया, कहा कि आप स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ा दिए हैं और आपने महिलाओं को इसमें जीविका नाम दे दिया है। तो उसने कहा कि देश भर में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का नाम हम आजीविका दे देंगे। आप सोचिए, हम लोगों ने जीविका बनाया और देश भर में आजीविका, हम जीविका दीदी कहते हैं, आ कितनी बड़ी संख्या हो गई। स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गया और महिलाएं कितनी बढ़ गई, 1,31,00,000। आप तो अब शहरी क्षेत्र में भी हमने शुरू करा दिया, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। हम जब कहीं जाते हैं, घूमते हैं कोई काम देखने के लिए, तो जब स्वयं सहायता समूह के आजीविका दीदियों से बात होती है, कितनी अच्छी भाषा बोलती है, कितना ज्यादा महिलाओं का विकास हो गया, तो आप जरा सोच लीजिए कि हम लोगों ने एक एक काम करा दिया। और एक बात और जान लीजिए, जाति आधारित गन्ना भी हम ही लोग ने कराए जी। आजकल झूठ बोलता है सब, अभी बोल रहे थे हमारे संजय कुमार झा जी, बराबर हम इनको कहते हैं कि बोलिए। अब आप बताइए, हम लोगों ने इतना काम करा दिया और जब हम लोग बीच में छोड़ दिए थे और उन लोगों के साथ चले गए थे, तब मीटिंग था, हमने कहा स्वयं सहायता समूह देखिए कि जीविका जाति आधारित गणना करे, लेकिन वो किया नहीं। हम लोग तो उन लोगों को छोड़ दिए और आप लोगों को तो हमने कह दिया कि अब कभी उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग तो एक साथ इधर रहेंगे। और हम लोगों ने पूरा का पूरा जाति आधारित गणना कराई और इसमें जितना भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबकी संख्या बढ़ी थी, तो उसको 50% से बढ़ा करके हम लोगों ने 65 कर दिया और 10% तो सामान्य वर्ग का मिलता था, 75 कर दिया। और उसके अलावे खाली जाति आधारित गणना हम नहीं कराए, हमने सबके आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराया, चाहे वो कोई भी जाति का हो, अपर कास्ट हो, ऊंची जाति हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका अध्ययन किया और देखा कि 94,00,000 गरीब परिवार निकल गया। तो हम लोगों ने क्या तय किया, हम लोगों की सरकार ने तय कर दिया, हमने ये मेरी इच्छा थी, हमने तय कर दिया कि जो कुछ भी गरीबी की हालत में है उनको हम लोग सरकार की तरफ से 2,00,000 रुपए का मदद हर परिवार को करेंगे और ये काम करना शुरू कर दिया। अब आजकल वो लोग खिलाफ है तो आ करके बोलता है, अरे वैसे ही बोलता है, याद रखिए वो सब कोई काम का नहीं है, ये सब काम हम लोग करवाए हुए हैं। और हर पटिया को हम कहे थे कोई एक था, वही था झूठ बोलता रहता है। एक आदमी था, वो अपना 9 बेटा बेटी पैदा किया, 1-2 पैदा किया, अरे अपने हट गया था, बेटिया को बनवाया। आप बेटा बेटी यही सब करते रहता है, ये सब कोई मतलब है, हम लोगों के साथ आया, हम लोग मौका दिया, देखा गड़बड़ है और झूठ मूठ के बोलता रहता, ये उन लोगों का काम है। ये तो सबको हम लोगों ने कहा था और सब लोग एक साथ, हर पटिया के लोग, और उस काम को करवाए। तो इसीलिए एक बात को ध्यान दीजिए कि हम लोग तो पूरा का पूरा काम किए हैं। और कौन काम नहीं किया है पटना जिले में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबका किया है। अब एक एक तरह से हम लोगों ने किया है, तकनीकी संस्थानों की स्थापना की है। 2008 में पटना में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT की स्थापना की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया। अब बख्तियारपुर में भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किए हैं। अब एक एक समय से समझ लीजिए, हर प्रकार से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो हर तरह से, एक एक तरह से काम हम लोग पूरे राज्य में कर रहे हैं, पूरे पटना में कर रहे हैं,
अब आप जहां पर आए हैं सब इलाके में अभी एक ने अपनी समस्या कुछ बताई है, हम उस सब चीज को देख लेंगे, कोई अगर कमी है तो उसको दूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों का काम है, हमेशा देखते रहना। तो शुरू में तो कुछ था ही नहीं ना जी, तो हम ही लोग घूम घूम करके देख लेते हैं। तो इनको जो बनाइएगा, आई तक खुद ही एक एक चीज को देखने वाले, तो जहां से कोई कमी रहेगी तुरंत कहेंगे इसको पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने हर जगह से, और आप समझते हैं कि हर तरह से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और नालंदा मेडिकल कॉलेज का इसका किया है 2500 का। अब पीएमसीएच का हम लोगों ने कितना पटना का बढ़ा दिया है, 5462 बेड का, और उसका काम हम लोगों ने शुरू किया 5540। अब एक काम पूरा हो गया, दूसरा काम शुरू हो रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम न करवा रहे हैं जी, तो हम लोग तो शुरू से सब काम करते ही रहते हैं। और आप तो समझ ही रहे हैं कि पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना दिया, हर तरह से किया, बिहार संग्रहालय, सरदार पटेल भवन, अंजुमन इस्लामिया भवन, बापू टावर, सब तरह से किया है। और पथ और पुल का निर्माण आप चलाइए, पटना बख्तियारपुर मोकामा के बीच में 4 लेन पथ का बख्तियारपुर तक का तो हो गया, उधर का भी होने जा रहा है। तो एक एक तरह से, हर तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, और एक एक तरह से पूरा का पूरा काम होगा और बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो एक एक तरह से तो हम लोगों ने किया, जो नया बगल में बन गया, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार की तरफ से पुरनका सीट को भी हम बढ़ा दिए। हम तो भी तय किए हुए, हम तो जाते रहते ना, देखते ना रहते हैं जी, पटना से बख्तियार तो हम तो देखेंगे उसको और आगे, जब जैसे भी होगा। हर तरह से हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, और दनियावा के लिए भी हर प्रकार से काम हर तरह से हम लोग पूरा कर रहे हैं, हर तरह से। अब बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो गया है, और बख्तियारपुर में ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण कराया जा रहा है। एक एक तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं, और पथ और पुल का निर्माण, बिजली के क्षेत्र का काम, पर्यटक स्थलों का विकास, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोग तो सब दिन काम करेंगे, तो करते रहेंगे। तो हम तो अब यही अनुरोध करते हैं आप सबसे, भाई हम इतना दिन से 18वां साल मेरा यहां सेवा का चल रहा कर ही रहे, हम लोग तो अब एक ही साथ रहे ही हैं, बीच में गड़बड़ हम कर दिए थे, हम आपको कह दिया इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ रहेंगे और खूब काम चलता रहेगा। तो इसीलिए हम तो आपसे ये अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद जी, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। और मेरी इच्छा क्या है, हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 400 सीट हम लोग जीते, और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद हम तो यही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि यही करना है। आइए काम समझ लीजिए, एक एक तरह से रविशंकर जी ये काफी काम करने वाले हैं, और हमारा तो हम पहले से बता दिए है मेरा पुराना रिश्ता। तो हम आप सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप इनको जिताइएगा ना, जरा हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बोलिए सब तरफ, आप पीछे का है बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कह दिया तो ये पक्का जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, अभिनंदन कर रहे हैं, और ये जीतेंगे, आपका काम करेंगे, राज्य का काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे, हर प्रकार से सब कुछ काम करेंगे, ये काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए आपने आज अनुरोध कर दिया, मैं तो यही कहूंगा कि राज्य सरकार की तरफ से अगर कहीं कोई चीज की कमी होगी उस चीज को हम लोग पूरा कराएंगे, लेकिन आप आश्वस्त कर दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि जरा एक बार फिर हाथ उठाइए ताकि इनके बगल में हम रहें।